तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला एक कमाल की चीज़ के बारे में जो कि आपको सैमसंग के अंदर मिलती है। आप बोल सकते हैं कमाल की एक सेटिंग के बारे में जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में मिलती है, जिसको क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या अपन उसका कर सकते हैं सब आपको मिलने वाला है। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ फाइंड माय मोबाइल वाले सेटिंग के बारे में। दोस्तों ये फाइंड माय मोबाइल एक ऑप्शन भी होता है और एक ऐप भी थ्रू होती है, जिसके अंदर नए अपडेट्स भी आते हैं, नए अपडेट्स के बाद नए नए इम्प्रूवमेंट भी किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी ऐप के नए अपडेट्स के बारे में और एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि कैसे अपन उसको यूज़ कर पाएंगे अपने सैमसंग गैलेक्सी में। तो आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताना हूँ फाइंड माय मोबाइल के नए अपडेट के और नई सेटिंग के बारे में। आप बोल सकते हैं उसको कैसे अपन यूज़ करेंगे अपने सैमसंग के लेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये नया अपडेट रोल आउट किया गया है। जब ये रोल आउट किया गया 7 अगस्त 2023 को, जिसका वर्जन नंबर है 7.3.07.12 और जिसका साइज़ है 10.90 MB का ये अपडेट है। आप यहां पर देखेंगे इस अपडेट में ऐसा कुछ मेजर नया चेंजेस नहीं किया गया, बट हर बार मैं बोलता हूं जब भी कुछ नया अपडेट आता है उसमें सिक्योरिटी तो परफॉर्मेंस दोनों को इंक्रीज किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है और कुछ छोटे मोटे बग्स होते हैं उसको भी यहां पर फिक्स आउट किया जाता है। अगर आप देखेंगे इस ऐप में काम क्या कर सकते हैं, ये ऐप क्या काम करता है, इस ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल को, टैबलेट को और वॉच, ईयरबड और टैग को आप यहाँ डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं अपने गैलेक्सी को, गैलेक्सी डिवाइस जो भी होती हैं सबको आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको इसको अपडेट कर लेना है अपने गैलेक्सी स्टोर में जाके, आपको ये नया अपडेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये प्री इंस्टॉल होती है, आपको ऐसा नहीं कि आप इंस्टॉल करेंगे तभी अपडेट आएगा, ये प्री इंस्टॉल होती है, बट आपको इसका अपडेट मिलता है गैलेक्सी स्टोर के अंदर ही। तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे, यहाँ चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा फाइंड माय मोबाइल का ऑप्शन। ये अगर आपका टिक नहीं आ रहा तो मतलब कि आपका ये इनेबल नहीं है, अगर टिक आ रहा है तो ये आपका इनेबल है। आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ दिस ऑप्शन टू बी फाउंड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद सबसे ऊपर आपका सैमसंग अकाउंट मिल जाएगा। सैमसंग अकाउंट आपको सही है, नहीं तो आप उसको चेंज आउट कर लीजिए या लॉगिन कर लीजिए। उसके नीचे आएगा अलाउ दिस फोन टू बी फाउंड, आपको इस पर टिक कर देना है कि जब भी आपका मोबाइल कहीं फाउंड नहीं हो पा रहा है तो आप उसके इस वेबसाइट के या फाइंड माई मोबाइल की मदद से आप उसको फाइंड कर सकें। रिमोट अनलॉक मतलब कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन उसको अनलॉक भी कर पाएंगे। साथ में जैसा कि लास्ट लोकेशन होगी, अगर कहीं मोबाइल इधर से उधर कहीं चला गया तो उसकी लास्ट लोकेशन भी ऑटोमेटिक इसमें सेव हो जाए फाइंड माई मोबाइल में। और रिट्रीव कॉल और मैसेज में अगर आप चाहते हैं कि उसके कॉल और मैसेज भी आपके रिट्रीव हो तो आप यहाँ पर क्लिक आउट कर सकते हैं। और साथ में सबसे मेजर ऑफलाइन फाइंडिंग को भी ऑन कर देना है। लोकेट योर फोन इवन इज ऑफलाइन, हेल्प अदर फाइंड देयर डिवाइस, तो इन सबको फीचर को आपको ऑन कर लेना है बाय डिफॉल्ट टिक टिक करके। इनको ऑन करने के बाद अभी आप कुछ काम कैसे करेगा, तो आपको दिख रहा होगा ये जो पोर्ट ये दिख रहा है ना आपको URL, इस URL पे चले जाना है। इस URL पे जाने के बाद आपको करना क्या है, वही सैमसंग अकाउंट से लॉग इन करना है जिस सैमसंग अकाउंट से आपने फाइंड माई मोबाइल को एक्टिवेट किया था। उसके बाद होगा क्या, जब भी वो जो उस अकाउंट से आप उसको लॉगिन करेंगे उसके बाद वो मोबाइल कहीं भी होगा वो ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक उसको फाइंड कर लेगा। अगर मान लो आपका मोबाइल कहीं चोरी हो गया है या कहीं रख के भूल गए तो आप इसके थ्रू उसको ढूंढ सकते हैं, और चाहें तो वहाँ से उसको रिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको वहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं, चाहे तो पूरे डेटा को इरेज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि देखेंगे आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा होगा। ये लास्ट लोकेशन बता रहा है, टाइम भी बता देगा कब की लोकेशन है, कहाँ पर आपका मोबाइल था। आप यहाँ से लोकेशन को और अच्छे से यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ रिंग का ऑप्शन मिल रहा है, जैसा कि लास्ट अपडेट यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने परसेंट बैटरी थी उस मोबाइल में, वो भी आपको यहाँ पर सब कुछ बता रहा है, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा है। रिंग पर क्लिक कर देंगे तो उस मोबाइल की रिंग बच जाएगी, लॉक कर देंगे तो मोबाइल लॉक हो जाएगा या अनलॉक हो जाएगा। जैसे मैं इस पर लॉक पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर बता रहा है योर फोन इज लॉक्ड, इज नॉट लॉक्ड फॉर योर सिक्योरिटी, लॉक योर फोन, आपका फ़ोन लॉक नहीं है, आप उसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ये इसका कहने का मतलब है कि आप यहाँ से उसका लॉक कर दीजिए और मोबाइल आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ से अगर आप जो सेट पिन करेंगे वो पिन वहाँ पर आके सेट आउट हो जाएगा। ऐसे ही ट्रैक लोकेशन आपको दिख रही है, इरेज डेटा, अगर आप चाहते हैं कि सारा डेटा इरेज, ट्रैक लोकेशन पे जाएंगे तो ट्रैक हो जाएगा। यहाँ इरेज डाटा में जाए क्लिक करेंगे तो आप पूरा डेटा वहाँ पर इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर बैकअप करना चाहे तो बैकअप कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं सिंपली अपने सैमसंग अकाउंट को लॉगिन करके। आप यहाँ पर एक एक चीज़ सब चीज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम
करता है सैमसंग माई डिवाइस करके, आप बोल सकते हैं फाइंड माई मोबाइल, ये इस तरीके से काम करती है सेटिंग सैमसंग गैलेक्सी में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।